बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रासिनिया प्लांट जो है उसको कुछ थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करूंगी। कुछ प्लांट मैंने उसके जो थे ये देखें पानी में ग्रो किए थे, काफ़ी बड़े बड़े ये देखें, काफ़ी इसकी रूट्स अच्छी डिवेल्प हो चुकी हैं, तो इनको भी ग्रो करेंगे। लेकिन मेन जो मेरा पर्पज़ था वीडियो बनाने का कि मेरे ड्रासिनिया के प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं पॉट में, तो अब ये डी शेप से हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको काट के आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब इस तरह प्लांट की हालत लैगी सी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इससे हमारा प्लांट्स एक तो और एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा, दूसरा ये है कि इस एक प्लांट में से कई और ब्रांचें आएंगी और मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे नीचे मेरे इनडोर एक प्लांट मैंने रखा है, उसको भी मैंने इसी तरह काट के अलग से एक प्लांट तैयार किया था, बहुत अच्छी उसकी शेप बन गई है। तो काफ़ी दिनों से बस मैं यही थी, देख रही थी कि कुछ मौसम अच्छा हो जाए कि जल्द से जल्द जो है कटिंग ग्रो हो जाए। और ये मॉनसून एक ऐसा मौसम है जिसमें हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट कटिंग, रिपोटिंग, हम कुछ भी ऐसा काम कर लें बहुत जल्दी हमारे प्लांट्स जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। तो चले हम ड्रासिनिया का ये प्लांट है उसकी कटिंग मैं यहाँ से इसको काट लेती हूँ, यहाँ से मैं इसकी कटिंग जो है वो काट लेती हूँ। और उसके बाद कुछ मेरे ड्रासिनिया रेड ड्रासिनिया है, और ये देखें ये जो है ये ड्रासिनिया, इनकी जो है इस पॉट में इसकी हेल्थ जो है अच्छी नहीं चल रही, काफ़ी अरसे से ये लगे हुए हैं लेकिन ये रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा इसको बजाय इसके के पॉट से निकाला जाए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग से ये जो मौसम है इसमें कटिंग बहुत अच्छी चल जाती है और एक प्लांट से हमारे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं और दोबारा इसी पॉट में मेरे और प्लांट निकलते जाएंगे। तो चले मैं सबसे पहले कटिंग लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ उस कटिंग को ग्रो करते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग मेरे गार्डन में माशाल्लाह से हो रही है, तो एंड पर आप लोगों के साथ अपने गार्डन की तमाम फ्लावरिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत प्यारी सी हो रही है, अलमंडा है या चाहे हिबिस्कस है, यहाँ से मैंने काट लिया है, इस प्लांट को भी मैंने काट लिया है और इसके बाद यहाँ पर ये देखें इस प्लांट को भी काट लिया। और यहाँ पर ये दालचीनी का पाउडर है, चाहे हल्दी का पाउडर ले लें चाहे दालचीनी का लेके, तो इसकी यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास ये भी नहीं अवेलेबल तो गार्डन में एलोवेरा तो मस्ट होता ही है, आप एलोवेरा लगा दें। मॉनसून है, अचानक से बारिश हो जाती है तो यहाँ से फिर हमारे प्लांट्स जो हैं वो गलने का डर होता है। ये देखिए बस इस तरह, ये देखिए। तो ये देखिए मैं कटिंग्स जो हैं वो ले आई हूँ और पॉट भी मैंने तैयार कर लिए हैं। मैंने पॉट्स में जो है सॉइल अच्छी तरह भर के उसको पानी अप्लाई किया था कि ये जो है मेरी सॉइल अच्छी तरह बैठ जाए। ये देखें कुछ भी अभी मैंने इसमें नहीं डाला, सिर्फ अपने गार्डन सॉइल डाली है भालू टाइप, बस ये इतना सा किया। और ये देखें मैं ले आई हूँ एलोवेरा, तो हर कटिंग को मैं ये देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा जो लगाती जाऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह मैं हॉल में थोड़ा सा दबा दूँगी। ये देखिए इसी तरह मेरा ये दूसरा प्लांट है, इस तरह मेरे पास एक एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं दबा दूँ ताकि इसके जो है नोड एरिया कुछ दब जाए। बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, ये देखें कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, ताज़ा मैंने भर के तो इसको अच्छी तरह पानी दे लिया था पहले कि ये जो है मेरी मिट्टी एकदम से बैठ जाए। जब ताज़ा मिट्टी भरते हैं तो वो बैठ जाती है और पानी कहीं ना कहीं से ड्रेन हो जाता है, तो ये है कि मैंने पहले से मिट्टी भर ली थी। तो अब जो है नेक्स्ट ये वाली कटिंग लगाते हैं, तो इसके लिए मैंने ये मेरा एक पॉट खाली था तो मैंने सोचा इसी में ही इसको लगा देते हैं। तो इसको अब थोड़ी सी एलोवेरा लगा लूँ,
पहले। देखिए अच्छी तरह एलोवेरा लगा लेते हैं ताकि बारिश अचानक से आ जाती है तो फिर मेरा जो है प्लांट डैमेज होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। ये देखिए ये भी कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, ये देखिए इस तरह मेरे ये प्लांट एक्स्ट्रा रेडी हो गए हैं। तो चले अब ये जो हैं इनको निकालती हूँ और छोटे छोटे पॉट्स में लगा देती हूँ। यहाँ से ये देखिए मेरा कटिंग्स मैंने रखी हुई थी तो ये देखिए एक छोटा सा और यहाँ से प्लांट निकल आया। ये देखें कि तीन मेरे एक्स्ट्रा प्लांट तैयार हो गए। ये देखें तो ये देखिए मैंने जो है दो प्लांट ट्रांसफ़र कर दिए हैं बस मेरे पॉट में, जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह मिली तो मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पर ये देखें एक जो है ये देखिए कितनी अच्छी इनकी जड़ें ये देखें डेवलप हुई हैं। बस ये है कि केयर के लिए ये है कि आप इसको रोज़ चेक करके पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि यहाँ पर अब रूट्स नहीं हैं कई प्लांट्स में तो गलने का भी डर है। बस चेक करके हल्का हल्का पानी देना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इनको बिल्कुल भी धूप ना मिले, छाया वाली जगह हो, नेट के नीचे ब्राइट सी लाइट आती हो लेकिन धूप ना इन पर पड़े। तो ये देखिए अब इन पर पानी अप्लाई कर दिया मैंने। और ये प्लांट मैंने कुछ एक दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया था तो देखें कितनी अच्छी जो है रूट्स डेवलप कर दिए। ये देखें साथ ही इसमें कुछ विंका के प्लांट भी आ गए हैं और उन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये मेरा ड्राई सीनिया का प्लांट देखें कितना अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह नेक्स्ट इंशाल्लाह ये मेरे तमाम प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। अगर आपका भी इसी तरह कोई भी प्लांट लैगी हो चुका है तो आप उसकी कटिंग करें और उसे ग्रो करें। यहाँ पर ये देखिए मेरे हिबिस्कस कितने प्यारे खिले हुए हैं, येलो कलर का, वाइट कलर का, ये रेड कलर का तो अब खिल के ख़त्म हो चुका है और पीच कलर में। इस मेरे पॉट में मैंने अपने चार कलर लगाए हुए हैं ये देखें। और यहाँ पर मेरा रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा हिबिस्कस खिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए लैंटेना कितने अच्छे खिल रहे हैं। सॉफ्ट वुड कटिंग तो मैंने काफ़ी ग्रो की हैं, अब मैंने सोचा कुछ ऐसी कटिंग ग्रो की जाए, कुछ हार्ड वुड कटिंग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। यहाँ पर ये देखिए मेरा प्राइड ऑफ इंडिया और कली का प्लांट, चंपा का प्लांट, बोगनविलिया कितनी प्यारी सी, इनमें भी सब में फ्लावरिंग हो रही है। और एक मेरा और हिबिस्कस ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। तो चलें अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं कुछ और कटिंग्स ले आई हूँ तो इसी तरह फिर दोबारा पानी में डाल के तो मैं वाटर गार्डन वाले एरिया में दोबारा इसको रख दूँगी। तो मेरे जो हैं वाटर गार्डन भी इस तरह बना ही रहेगा।